सारे लोग, राकेश टिकैत जी, हम सारे लोग आपके साथ होंगे। जल्द से जल्द जो जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे कि पीयूष गोलमाल भागते भागते नजर आएंगे। बिल्कुल भागेंगे जी। हमने बहुत देखा जी, बहुत बड़े बड़े हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, मुसोलिनी चले गए, ये क्या बात है? क्या ये हजार साल रूल करने के लिए तोड़ी आए? कोई परमानेंट है क्या? इतना अहंकार क्यों? किनकी कहो? मंत्रियों से कहते हैं कोई काम दाम नहीं है क्या? मंत्री क्यों आए? हफ्तों पर इनके दफ्तर में गए, वहां मंत्री लोगों को बिठा के तीन तीन घंटा देर करके आते हैं ताकि ये चला जाए, उल्टा बदनाम उन पे लग जाए, ये इनका नीति है। सारे हमारे सांसद गए, सांसद के साथ भी यही व्यवहार, क्या ये चलेगा? ये नीति है, केंद्र सरकार चलाने का गंभीरता है, ये बात नहीं चलेगी। यही नहीं जी, कई अन्य बातें हैं जो हमारे दिल में है, सारे देश के जनता के दिल में जो आग है, हमारे दिल में भी वही आग है। ये आग फैल जाएगी, ये आग आपको खत्म करने तक नहीं छोड़ेगी। जो आप कर रहे हैं इस सरकार का सीधी नीति है। मैं सारे हिंदुस्तान के किसानों भाइयों से भी कहता हूं, सरकार का नीति साफ है, ये पूरा किसान खेती कारपोरेटों के वश करना चाहता है। कारपोरेटों को देके किसान जमीन छोड़ दे और अपने ही जमान में किसान नौकरी बन के काम करे, नौकर बन के काम करे, ये इनका नीति है। ये कहते हैं मीटर लगा दो, अभी आपने डिमांड किया किसानों को मुफ्त में मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये हाल हो रहा जी, सरकार चुना, मोदी साहब ने बड़ी अच्छा तोहफा दिया वहां पे, तोहफा इतना है कि एक के जगह अगर दो पशु खरीदेंगे वो कमर्शियल हो जाएंगे। मीटर लगाओ, खून चूसो, यह है तरीका देश चलाने का, किसानों के साथ खिलवाड़ करने का, ये नहीं चलेंगे। इसके अलावा भी जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उसका अपमान करना, उसका विरोध करना, जो विपक्षी नेता विपक्षी दल होते हैं उनके पीछे सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, इनके पार्टी के अंदर सारे सत्य हरिश्चंद्र है, देखिए इनके पार्टी के अंदर सारे के सारे सच्चे हरिश्चंद्र है या उनके भाई है, एक भी नेता खराब नहीं है जी। भाजपा के एक नेता के ऊपर भी ना ईडी जाता, ना सीबीआई जाता, ना कुछ जाता। जहां भी कोई प्रश्न उठाते हैं, देखो ये लोग कहने लग जाते हैं जी, हर राज्य में इनका एक तमाशा बना हुआ है। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ दम है तो आओ, किसको कौन जेल भेजेगा? आ जाओ दम है तो आ जाओ। हर किसी को इनके छोटे मोटे कुत्ते राज्यों में भौंकने लगते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। हर राज्य में हर किसी के साथ, मैं साफ कहता हूं, देश आपको समझ चुका है, आपका जनतंत्र का राज्य नहीं है, आप लोग षड्यंत्र का राज चला रहे हैं। धीरे धीरे पूरा देश समझ गया है, अब देश चुप बैठने वाला नहीं है। तेलंगाना में हमने काफी कुछ कर लिया, भारत देश के लिए अभी काफी काम करना है। हम निकल पड़े हैं, हम इतना बाद में लास्ट में बोलो ना भाई, इधर हम बोल रहे हैं उधर आप बोल रहे हैं तो क्या चीज समझ? अरे अरे बैठ जाओ। खड़ी धूप है, हम सबको जाना है, सक्षम जाना है, दान नहीं कर देंगे तेलंगाना में। किसान देख रहे हैं आपके तरफ, नरेंद्र मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को मैं दो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तेलंगाना किसानों के तरफ से अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से दान खरीद रहे हो, तेलंगाना भी दान खरीदो।
24 घंटे हम इंतजार करेंगे, क्या आपसे कोई आदेश आएगा? 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे, क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे, उसके साथ बस पीछे ही पीछे आपके पीछे पड़ना है। वहां काम निपटा के अब हम निकल पड़ेंगे देश पे, अब देखिए क्या क्या होता है, बात कहां से कहां तक जाता है, किस प्रकार से ले जाया जाता है। काफी बातें हैं, अगर वो मैं बात करने लगूं तो कहेंगे भाई राजनीति करने आए कि दान लेके, दान का मुद्दा लेके आए। अब हम सिर्फ दान का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं। राजनीति की बात मैं वापस दिल्ली आके करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। इनके क्या क्या षड्यंत्र है, इनके क्या क्या कथाएं हैं, सारे भांडा इनका फोड़ते हैं, किसके किस किस के साथ किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने कर रहा है, ये सारी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं। हम वापिस आके दिल्ली पूरे हमारे दोस्तों को, जो हमारे साथियों को बुला के बैठ के बात करके राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करना है और इनके नीतियों के बारे में बात करना है, उन सारे चीजों का करते हैं। राकेश टिकैत जी को फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप तो लड़ते रहे, आपका पिताजी भी लड़ते रहे, जब मैं बहुत छोटा था, यूथ नेता था, 1978-80s में आपके पिताजी एक आवाज पे लाखों किसानों को बुलाते थे, किसान रैली बुलाते थे, उतने महान नेता थे हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी। आपने भी साबित किया, उनके सच्चे सपूत हैं आप, इसीलिए देश के किसान के साथ आप खड़े हैं, आप पे हम गर्व करते हैं, हमारा नाज है आप पे। इसलिए एक ऐसा नेता अगर हो, संघर्ष करे, उनको जाना है। एक्चुअली राकेश टिकैत जी आज उपवास में है, वो खाना भी नहीं खाते, आज हर सोमवार को उपवास रखते हैं, उनका उसूल है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारे किसान इतने दूर से आ रहे हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि आ रहे, आधे घंटे के लिए आप आना, 3:15 बजे का उनका फ्लाइट है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में किसी संघर्ष में जाना है, किसान संघर्ष में उनको मीटिंग में जाना है, उनको भी हमें विदा भी करना है। तो इसीलिए भाइयों, आपने जो कष्ट करके इतने तो दूर आए, हमारे को यहाँ विजय प्राप्त भी हुआ, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन देश को एक बार बताना था कि तेलंगाना किसानों का मांग क्या है, हमने वो बता दिया, बाकी प्रधानमंत्री पे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का आदेश मिले दान खरीदने का ठीक है, नहीं भी मिले तभी ठीक है, हम इतने गरीब नहीं है, अपने आप में समस्या समाधान हम ढूंढेंगे, कल परसों में उसका फैसला ले लेंगे, फिर उसके बाद अब इनके पीछे पड़ेंगे, सारे देश के किसानों के भलाई के लिए हम आगे लड़ते रहेंगे। जय तेलंगाना, जय हिंद। तेलुगु में समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।